दिस इज आवर स्लीप देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग है रांची के धुरवा में, और गाइस ये जो आपको पीछी तरफ दिख रहा मंदिर, ये है रांची के धुरवा का मासी बड़े मंदिर। और मेरे जस्ट आगे तरफ है रांची का जगन्नाथ मंदिर, जो कि रांची का बहुत ही फेमस मंदिर है गाइस। तो गाइस ये सब मैं आज आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ झारखंड का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। वो स्टेडियम में बहुत सारा इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में, और बहुत सारा मैचेस होने वाले भी हैं, और अभी तो कुछ दिन बाद ही मैच स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आज को मैं वही स्टेडियम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या है स्टेडियम में खास, नहीं है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे खास बात गाइस, ऐसे तो हम लोग स्टेडियम में देखते ही हैं, हम लोग ऐसे ही बहुत सारे मैचेस खेलने आते हैं स्टेडियम में, बट गाइस वो सब उतना खास नहीं होता। बट गाइस इंटरनेशनल स्टेडियम में क्या होता है, किस तरह बैठने का आता है, वहाँ पे किस तरह व्यवस्था होता है, वहाँ के घासे वगैरह किस तरह होता है, वो सारा कुछ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही आपको जानने को और बहुत नया देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है, व्यूज वगैरह नहीं आता और मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज राकेश। हाय गाइस। और गाइस मैं इस मंदिर का बात बोल रहा था, ये जगन्नाथ मंदिर। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं जल्दी से स्टेडियम में, आपको जाके दिखाता हूँ। तो गाइस हम लोग फाइनली JSCA स्टेडियम गेट के बाहर में है अभी ये, और ये गेट इस तरह कुछ है, और यहीं से सभी को जाते हैं अंदर। और यहीं से गाइस हमारे भारत के, पूरे विश्व के कैप्टन कूल यहीं से अंदर जाते हैं, मतलब कि धोनी के गाइस ये होम ग्राउंड है, और वो भी यहीं पे आते हैं प्रैक्टिस मैच करने के लिए। काफी मस्त है, देख सकते हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे दो पवेलियन है, एक अमिता चौधरी पवेलियन और एक MS धोनी पवेलियन। MS धोनी को तो सभी को जानते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ग्राउंड के करीब बढ़ते हुए, और आप लोग अंदर में देख सकते हैं पूरे, मतलब आपको दिख रहा होगा वहाँ पे साफ सफाई हो रहा है पूरी अच्छी तरह से। देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं घास को मेंटेन रखने के लिए। और गैस मतलब हम लोग जो पिच में खेलते हैं उसका तो आप लोग हालत जानते ही है, बट गैस यहाँ का पिच एकदम एक नंबर, पूरा सपाट है, पूरा एकदम प्लेन है। और देखो हम लोग को तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी कोशिश करेंगे जाने का। और कुछ इस तरह यहाँ पे देखो कितना ऊंचा ऊंचा, ये सब इतना है, ये सब सीटें हैं गैस, इधर देख सकते हो आप लोग, इधर ये सब सीटें हुए हैं, और उधर भी आपको दिख रहा होगा, उधर इंडोर फैसिलिटी क्या है, वो अंदर में खेलने के लिए है, मतलब एक होता है ना प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं कैफे में, इस तरह का कुछ कैफे है। अभी हम लोग तंदूरी चाय ऑर्डर किए हैं, और मैं आपको बता दूँ 9 अक्टूबर के गाइस मैच है, मतलब भारत और शायद साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड, इस तरह कुछ मैच होने वाला है, मैं देखा था, भूल रहा हूँ अभी। बाकी इधर राकेश जी बैठा हुआ है। स्लीप देख सकते हैं, और बस इस जगह काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठ के। और ये जो कैफ़े है इसका नाम अप डाउन कैफे। तो अभी हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, मस्ती करते हैं, लाइफ में क्या है जो मिल रहा है समेट लो। और गैस ये मेरा फर्स्ट टाइम है इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठ के चाय का मज़ा लेते हुए। यहाँ पे गैस आपको एक बार में 50,000 आदमी बैठ के मैच को देख सकते हैं। यहाँ पे गैस लिखा हुआ पवेलियन का नाम, कौन कौन किस जगह किस 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 मतलब किधर क्या चीज़ है, नहीं है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग पहुँच करके पढ़ सकते हैं। तो गैस अभी हम लोग JSCA स्टेडियम से बाहर वीडियो को एंड किए ही थे कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर भैया लोग मिल गए यहाँ पे, भैया कर दीजिए अपना अपना। तो गैस यहाँ पे सब अपना ब्लॉगर ही है, एक तरह का कह सकते हैं फैमिली बन चुका हम लोग का। अब हम लोग कभी भी होगा तो मिलेंगे, साथ में वीडियो बनाएंगे, भैया कर दीजिए हेलो। और गाइस मेरे को सबसे खास लगा ये जो कैमरा है DJI का, मेरे पास भी इस तरह नहीं है, बट मेरे पास GoPro टाइप का है, बट ये कैमरा मेरे को देखकर काफी खास लगा। बाकी सब मेरा इस तरह फैमिली टाइप का हो चुका है, अभी कभी आप लोगों को वीडियो मिलेगा साथ में। भैया एक बार अपना अपना खेल का नाम बता दीजिए। शिवम वर्मा। शिवम वर्मा
चैनल का नाम है रांची के ना भैया। अपना रांची वाला अपना इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे है, फॉलो कर लीजिएगा आदर्श सागर ऑफिस। सबको फॉलो करना है यहाँ पे, और आप लोग का साथ में मिलेगा कभी।